अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये आपकी आंखों को ठंडा कर देगा रियली, क्योंकि आज हम लग्जर्स होटल हमजा में हैं और आज हम सैर करेंगे अताबाद लेक हमजा और लग्जर्स हमजा में। बहुत वीआईपी किस्म का ये होटल है। आप अगर जाते हैं हमजा में, आपको स्टे करना है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टे। चलते हैं। ये अताबाद झील के बिल्कुल ऊपर ये होटल बना हुआ है। तो ये अताबाद झील है, पीछे पहाड़ देख रहे हैं। हमारा आज का स्टे यहीं पे है, इसलिए आज हम डे एंड नाइट दोनों व्यूज इंजॉय करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। यह है लग्जर्स हमजा। अभी टाइम तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है। डे व्यू है और नाइट व्यू भी, और मैं आपको अपना रूम भी दिखाऊंगा जो हमने यहाँ पे रिज़र्व किया है। ये अताबाद लेक बिल्कुल सामने, ये बहुत ही खूबसूरत लेक है, बहुत खूबसूरत एरिया है और बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। चलते हैं होटल में। मैं अपने रूम में आ गया हूँ और सबसे पहले वॉशरूम आता है तो वॉशरूम ही दिखाता हूँ। कुछ किट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये बॉडी लोशंस हैं, कमोड है और शावर वगैरह, ये रूम है। आज हम रिव्यू कर रहे हैं इस एरिया का।
बहुत अच्छा रूम है, ये लॉकर है, आपके पास कोई कीमती सामान है तो आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और जनाब ये वाटर बॉटल्स हैं, ये चीज़ बड़ी प्यारी है इस होटल में। बहुत ही मुझे बहुत पसंद आया है ये रूम। अच्छा आप गौर करेंगे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें कॉम्प्लीमेंट्स रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स कॉम्प्लीमेंट्स के तौर पे, ग्रीनरी, ये है इसका लेक व्यू, और इन्हीं व्यूज से ये होटल अर्न कर रहा है। रियली ऑसम व्यू, माउंटेन है, वाटर है, आप यहाँ बैठ भी सकते हैं, सीटिंग एरिया भी बनाया है आपके रूम के बाहर। तो ये अताबाद लेक है हुंजा में, तो स्पेशल लोग यहाँ पे इसको देखने आते हैं, जो हुंजा आए फिर वो यहाँ से विज़िट लाजमी करके जाए। आप होटल में स्टे करें या ना करें, लेकिन सजेस्ट ये करूँगा कि आप यहाँ अंदर आएँ, विज़िट लाजमी करें। ये दो रूम्स के बीच में सीटिंग एरिया बनाया हुआ है खूबसूरती के लिए, बैठने के लिए। ब्रेकफास्ट का टाइम भी है और ब्रेकफास्ट के लिए बेल भी हो चुकी है, हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, देखते हैं आज क्या है ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, अब होटल टूर पे निकलते हैं। आपको मज़ीद पार्किंग एरिया जो आपने नाइट में देखा था, अब लेक साइड पे चलते हैं डे व्यू में। ये सामने बहुत ज़बरदस्त प्रेयर मैट है, नमाज अदा करनी है तो आप यहाँ नमाज अदा करें। हमारा नेशनल एनिमल है आइबेक्स, मारखोर है, तो इन्होंने जगह जगह मारखोर का सिंबल भी दिया हुआ है। ये देखिए चेयर्स हैं, तो ये मारखोर का वो निशान भी है इसके ऊपर। यहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश है और वो भी ट्राई करेंगे, इस कॉल डम्पलिंग कीमा, उसके अंदर ये सूप है और ये डम्पलिंग्स हैं। डम्पलिंग्स इसमें कीमा भरा होता है, बहुत अच्छा टेस्ट है, रात को भी हमने खाया था। ये झील है, यताबाद झील है, हाँ जी। इस टाइम पानी की इतनी आवाज है, पानी की इतनी आवाज है कि आवाज से खौफ साथ है, तो देख रहे हैं कि पानी की आवाज आपको शायद नहीं सुनाई दे रही, मुझे सुनाई दे रही है, इतनी तेजी से पानी बह रहा है कि मुझे खौफ सा फील हो रहा है पानी से। तो नाज़रीन ये है नाइट व्यू लेक्सस होटल का हुंजा। झील है
और डर लग रहा है पानी को, पानी सिस्टम रात के टाइम सामने बर्फ काले काले पहाड़ सामने ब्लैक ब्लैक पहाड़ क्यों दिन को तो बंदा उधर लग जा। हाँ दिन में तो डिनर हल्का फुल्का सा करते हैं यहाँ से। डिनर में क्या है, ये इनकी ब्रेड है जी, ये रोटी है, ये चिकन कढ़ाई है इनकी बोनलेस, ये मलाई बोटी है, ये डम्पलिंग है इनकी स्पेशल डिश है, ये इनकी ट्रेडिशनल है। आप बहुत शर्ट्स पहनी हुई हैं, हल्की हल्की सर्दी लग रही है, बड़ा प्यारा मौसम है, अच्छा मौसम है, एंजॉय करें आप, वीडियोस देखें और देख देख के एंजॉय करें। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो चैनल मलिक स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें इसको, क्योंकि मैं आपके सामने आपके साथ नई नई चीज़ें डिस्कवर करता हूँ, नई नई जगहों पर हम जाते हैं, पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह हम घूमेंगे इसी तरह और आप मेरे साथ मिल के घूमेंगे।